भाई आगाज़ का सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हमारे दोस्त है दिलीप सोनी जी, हमारे बहुत पुराने मित्र है, और साजन अग्रवाल हमारे अभी डायरेक्टर, हमारे रोहित शेट्टी हमारे भाई, उनका हमें फ़ोन आया कि आप आ रहे हो और आप यहाँ पे हमारे साथ हो तो फिर हम साथ में हैं और हम यहाँ पे हैं। और बहुत अच्छे गाने इन्होंने बनाए हैं, हम सुन के मतलब परेशान हो गए। आई एम लिटिल शॉक दैट वाओ, व्हाट अ टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, व्हाट्स हिज नेम यार, अंजन जॉय एंड अंजन, एक ही आदमी है। नीरज भाई प्रोड्यूसर है हमारे। इधर आइए सर, अभी क्या आप कह रहे थे, वीडियो दे रहे थे हमें आप, तो मुझे भी साइन कर रहे हैं। तो मेरे फैंस, ये चीज़ को आगे बढ़ाना और ज़रूरी हो गया, क्योंकि इन्होंने इतने खतरनाक आदमी को पहली वीडियो में साइन कर लिया है कि अब ये तो स्टार हो गए यार। इजाज भाई तो पहले से स्टार हैं और रॉक गाने उनको बहुत पसंद है और हमारे गाने भी बहुत अच्छे गाने। मैं मजाक नहीं, वरना थोड़ा सच बोलने के लिए फेमस हूँ, बहुत अच्छे गाने हैं। और तुम्हारे साथ जो आदमी जुड़ा हुआ है ना भाई, वो इतना पुराना चावल है कि मतलब वो इंडस्ट्री में कहावत है पुराना चावल। पुराने चावल आजकल मिलते नहीं है सर, आप बड़े किस्मत वाले हो, आपको वो मिल गए और वो आपको ऊपर ही लेके जाएंगे, नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता है। बहुत हमारे मित्र जो दिलीप सोनी साहब है, अगर आप आ जाएंगे तो लोग आपको देख लेंगे। आप साजन आप भी आ जाइए, ये हमारे दिलीप भाई है, हमारे भाई भी है, हमारे मित्र भी है, हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, और रिश्ते हमेशा निभाने चाहिए वरना ऊपर वाला फिर कोरोना जैसे वायरस भेजता है। सो आई विल, और कौन है भाई, नवनीत इधर। अरे नवनीत भाई आइए आप, नवनीत भाई तो मेहमान है या उनका भी कोई रोल है? मैं आपके साथ में हूँ मैं। हाँ मतलब ये सब हमारे, देखिए जब क्या है, जब प्रोडक्शन हाउस खुल रहा है तो डायरेक्टर हैं सारे, हम लोग सब काम करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं। ओके सर, जैसे कि आप हमेशा जाने जाते, कोई भी जरूरतमंद होते आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, वैसे ही दिलीप सर है और उनके जो भी टीम है, वो जो भी नए नए कलाकार उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि यार देखो, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हम तो किसी को करते, तो हमारी ये सोच है कि जैसे मैं बिग बॉस से निकला, जैसे मैंने कई फिल्में साउथ में 27 फिल्में की, यहाँ के डायरेक्टर थोड़े अंधे से हो गए हैं, कास्टिंग डायरेक्टर उनसे बड़े अंधे हो गए हैं, तो वो एक लॉबी बना दी है इन्होंने कि भाई ये चार लोगों को कास्ट करेंगे, ये चार हमारे लोग हैं, ये पांच हमारे लोग हैं। और वैसे ही आप देखिए सारे हीरो बन गए, आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, ये सब लोग, ये मुकेश छाबरा ने बनाए हुए हीरो, हमारा भी दोस्त है, हमसे भी वादा किया है, तो लॉबी यहाँ चल रही है। पहले क्या होता था कि जैकी श्रॉफ को रास्ते पे देखा, सुभाष जी ने बोला इसको हीरो बनाऊंगा, जैसे ये आदमी को, तो ऐसे भी डायरेक्टर है अभी भी जो लार्जर देन लाइफ, बिलीव इन द सेल्फ, तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट बाहर से अब नहीं आएगा, बहुत सारा टैलेंट बाहर से आ रहा है। कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में एक ऐसी लाठी दे दी है डायरेक्टर ने, कुछ डायरेक्टरों ने। फिर क्या होता है कि तुम वहाँ ऑडिशन के लिए जाओ, लुक टेस्ट के लिए जाओ, तो वहाँ उसके अपने एक्टर होते हैं, वही तुम्हें सारी, एक कास्टिंग डायरेक्टर की पिक्चर देखना, उसमें तुम्हें पांच पिक्चर उठा लेना, उसमें सेम सेम हीरो, सेम सेम लोग, सेम सेम कास्ट होते हैं, वो साथ में पार्टी करते हैं, साथ में खाते पीते हैं, साथ में वही लोग काम करते हैं। लेकिन उल्टा भी है, फिर ऐसे भी डायरेक्टर है जो 20 साल पहले उसे उठ के आ जाते हैं और बोलते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट क्लियर कर रहे हो। तो आई लव माई फैंस और मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों की वजह से एजाज खान जिंदा है, और मेरी कोई भी छोटी सी चीज़ को आप इतनी बड़ी बना देते हो कि आप मेरे लिए सब कुछ हो मेरे यारो। आई लव यू ऑल वेरी मच। ओके जैसे ये यहाँ पर बहुत सारे जो न्यू सिंगर्स हैं और बहुत सारे जो नॉन सिंगर है वो भी आवाज़ दे रहे हैं यहाँ पर, और उसमें आप भी अभी सर ने जैसे कहा कि आप म्यूजिक फ्यूचर होने वाले, तो उसके बारे में क्या कहते हैं, आप कितना एक्साइटेड है क्योंकि बहुत ही जल्द सर आप फ्यूचर करने वाले आप इसमें? यार एक्साइटमेंट मेरा जब सेट पे आता है, अभी मैं खुश हूँ मेरे दोस्तों के लिए कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़े, मेरी दुआएं उनके साथ है। जैसे कि मैं यहाँ आ गया, आप देख लिए कि मेरा जो वक्त है वो उनके साथ है, मैं उनको दुआएं दे सकता हूँ और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि मैं गाने सुन के बहुत खुश हुआ कि बहुत अच्छे गाने हैं, और इनके साथ गाना करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अगर हमारी तकदीर में काम करना साथ में लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं भी हुआ तब भी हमारी दुआएं इनके साथ है। ओके नीरज सर, क्या कहना चाहेंगे, सर का तो साथ मिल गया।
एजाज भाई तो सबके साथ हैं, और जितने भी मैं जितना जानता हूँ इनके बारे में उतना मैं जानता हूँ जितने भी न्यू स्टार हैं या न्यू टैलेंट हैं, एजाज भाई सबको प्रमोट कर रहे हैं। इवन टिकटॉक के भी जितने बच्चे हैं सारे बच्चों को उन्होंने सपोर्ट किया। मैं उनके एक पार्टी में गया था, मैंने देखा सब कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे पता है एजाज भाई का एक नेचर है कि जो उनको अच्छा लगता है या उनके अंदर एक ऑनेस्टी दिखती है उनको वो पूरा सपोर्ट करते हैं, और मुझे लगता है हम लोग को भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।